दोस्तों सामने आपके मारुति फ्रॉन्ग्स का बेस वेरिएंट। ये एक ऐसी क्रॉसओवर है जिसने बहुत सारी हैचबैक और थोड़ी बजट से ऊपर जाने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवीज की सेल खाई है वाकई इस गाड़ी में बहुत दमखम है सामने जो आप देख रहे हैं इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है सिग्मा जो कि केवल सात लाख और इक्यावन हजार रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है आठ तीस आठ पैंतीस के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ती है मारुति का बहुत ही शानदार और रिलायबल इंजन 1.2 लीटर के सीरीज डूल जेट डूएल बीवीटी इंजन के साथ आती है फोर सिलेंडर इंजन है जो कि अभी तक पहले आपको शिफ्ट में भी मिलता था अब फिलहाल मारुति शिफ्ट में एक नया इंजन आ गया है तो ये गाड़ी क्यों इतनी कैपेबल है और बहुत सारे ऐसे बायर्स जो कि हैचबैग लेने का प्लान कर रहे थे उन लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ मारुति की को ही चूज किया हम हर चीज की बात करेंगे और गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है डेफिनेटली उसकी भी करेंगे सबसे पहली चीज गाड़ी को जब आप देखते हैं तो यहां से अगर आप चेकआउट करेंगे तो गाड़ी एक अच्छी लेंथ जरूर कवर करती है थ्री इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है व्हील बेस काफी अच्छा है ग्राउंड क्लैरेंस वन हंड्रेड की मिल जाती है जो कि थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है किसी भी हैचबैग की अगर कंपनी में आप बात करते हैं तो लेकिन उससे पहले जब आप गाड़ी का फ्रंट तो क्रॉसओवर वाली, वाली फील दे जो आजकल बायर्स को चाहिए सामने देखेंगे तो नेक्सा की वेवी स्टाइल सिग्नेचर ग्रिल आपको मिलेगी यहां पर नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो पूरे बंपर के ऊपर आपको शेप दिखाई देती है जिसकी वजह से गाड़ी का लुक बहुत ज्यादा इनहेंस होता है प्रोजेक्टर हेडलैम मिलते हैं लेकिन ये हाइड्रोजन बेस रहेंगे नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और पार्किंग लैंप आपको मिलेगा सामने एक बड़ा क्रोम का बार और सुजुकी का लोगो जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो बेस वेरिएंट से ही आपको रूफ रिल्स मिल जाती है एंटीना आपको मिल जाता है क्लाइडिंग्स से यहाँ पर काफी सटल फील हो रही है गाड़ी के साथ नॉर्मल स्टील व्हील आपको मिलेंगे प्रॉपर अगर मैं साइज की बात करूंगा तो सिक्सटीन इंचेस के हैं टायर साइज आपको वन नाइनटी आर सिक्सटीन मिलता है आगे डिस्क पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती है फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलेगा लेकिन ये जो बंपर के साथ मर्ज होती हुई फेंडर तक इसकी क्रीज आ रही है ना ये बहुत ज्यादा सुंदर अपेयरेंस जो है वो नो डाउट देती है ओ आरवीएम्स आपको पूरी तरीके से ब्लैक मिलेंगे किसी भी तरीके का इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया आपको सब मैन्युअली करना पड़ेगा विंडो के नीचे की बेल्ट लाइन आपको ऑल ब्लैक मिलेगी डोर हैंडल्स ब्लैक रूफ रिल्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली गाड़ी का ए पिलर बी पिलर और सी पिलर सी पिलर के ऊपर एक छोटा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया जरूर दिया गया है जिस वजह से इस गाड़ी को एक अच्छा लुक नो डाउट मिलता है और हैज बैग और नॉर्मल किसी भी गाड़ी थोड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती है उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो डोर पर ये जो इसकी फ्यूल फिलिंग लिड है और यही क्रीज प्रॉपर ऐसे क्रॉस होती हुई पीछे रेयर में जो बंपर के साथ आकर मर्ज होती है ये भी इस गाड़ी को एक काफी अच्छा स्टांस जो है वो नो डाउट देती है उसके बाद जैसे ही आप पीछे स्विच होते हैं तो यहाँ से फ्रॉन्ग्स की जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से एक डिफरेंट और मॉडर्न फील होती है जैसा आजकल के यंग वायर्स को भी पसंद आता है वो डिजाइन एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं मारुति हमेशा से अपनी गाड़ियों के सटल डिजाइन रखता है यानी लंबे चलने वाले डिजाइन जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद आ जाए कुछ ऐसे यहां आप करेंगे तो एलईडी बेस्ड इंडिकेटर और स्टॉप लैंप है पूरा कनेक्टिंग में आपको दिया गया है 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 सुजुकी का लोगो है। मिलते हैं लेकिन वाइपर नहीं मिलेगा दिया गया है। अच्छा स्टांस जो है वो गाड़ी को देता है और साथ में, में रिफ्लेक्टर एक दो तीन चार, चार पार्किंग बड़ी और एक सॉलिड सी आपको सिल्वर कलर की स्केट प्लेट दी गई है जिसकी वजह से इस गाड़ी को पूरी तरीके से आप डिफ्रिशिएट कर सकते हैं पीछे से कि भाई ये हैचबैक तो नहीं है कॉम्पैक्ट तो नहीं है लेकिन क्रॉस ओवर है लेकिन फील आपको वैसा ही दे देती है फिलहाल यहां चेकआउट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपके पास है ताकि आप इजिली इसके बूट को ओपन कर पाए तीन लीटर का बूट स्पेस आपको यहां पर मिलता है इस में पार्सल ट्रे नहीं आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर है बूट को खोलने के लिए ये सारी ट्रे में आपको हार्ट प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगी ग्रैब हैंडल यहाँ पर प्रॉपर आपको देखने के लिए मिलेगा लोडिंग लिप थोड़ी सी हाई है लेकिन जगह काफी अच्छी तरीके से मैनेज की गई है तीन या चार आप छोटे जो आपके कैबिन बैग्स होते हैं ट्रॉली बैग उसको रखने के बावजूद भी आप साइड में अच्छा खासा सामान यहां रख पाएंगे सेफ्टी ट्राइंगल नीचे चेकआउट करेंगे स्पेयर व्हील सेम साइज का है और साइड आपको दिया गया इधर अपनी गाड़ी का टूल बगरा, जैक वगैरह तो जगह आप उसे इजिली रख पाए ये देख रहे हैं आप एक दो तीन तीनों के लिए एडजस्टेबल हेड तीनों के लिए थ्री पॉइंटेड सीट बेल्ट सिक्सटी फोर्टी का स्प्लेट ये कुछ चीजें हैं जो फ्रॉन्स को काफी प्रैक्टिकल बना देती है और ये सारी चीजें आपको इसी वेरियंट यानी बेस वेरियंट से मिल जाती है पहले हम रेयर रो की बात करते हैं देखो वन टू थ्री तीनों आपके जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, हैं थ्री पॉइंटेड सीट बेल्ट हैं कोई आमरेस्ट नहीं आता लेकिन सीट्स के माउंट दिए गए हैं ये सीट मेरी ही ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है पांच फुट आठ इंच या नौ इंच के आसपास मेरी हाइट है अब देखिए आप मेरे पास भरपूर यहां पर लेग रूम है कोई दिक्कत नहीं है नीरूम मेरे पास यहाँ पर सफिशियंट है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है रेयर में एक ट्वेलवुड का पावर सॉकेट जो है वो यहां दिया गया ताकि आप इजीली अपना फोन वगैरह यहां पर चार्ज कर पाए दो जगह भी आपको दी गई है फोन वगैरह रखने के लिए व्हील कैप्स आते हैं व्हील कवर्स तो वो यहां पर प्लेस्ड है यानी आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे बिल्कुल ब्लैक कलर के उसके ऊपर व्हील कवर्स आपको लग के मिलेंगे कंपनी की साइड से ही यहां थोड़ा सा आपको कभी स्पेस जो है वो देखने के लिए जरूर मिलेगा ऊपर अगर आप बात करेंगे तो ये लैंप आपको यहां पर जरूर दिया गया है जो

और यहां पर जब आप गाड़ी को देखते हैं तो एक काफी अच्छा स्टैंप्स आपको प्रूव करके देती है बहुत सारे कलर्स को यूज किया गया है सिल्वर है बीच में कहीं ब्राउन्ज है कहीं बरगंडी है कहीं ब्लैक है थोड़ा सा फेक कार्बन फिनिश जो है वो ए वेंट्स या फिर सेंटर कंट्रोल वहां पर थोड़ा देने की कोशिश की गई है इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ड्राइवर साइड की विंडो आपको ऑटो मिलती है वन टच में अप एंड डाउन विद एंटी पेंच वो काफ़ी सही चीज़ है ये सब आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा ऊपर ये जो है पेंटेड पार्ट है ब्लैक कलर के डोर लीवर्स अगेन सिर्फ ग्रिल आपको मिलेगी वाटर होल्डर है थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है नीचे प्रॉपर एक डेड पैडल आपको मिल जाता है एबीसी तीनों पैडल के पास जगह काफी अच्छी है गाड़ी का हुड आप इजिली यहाँ से खोल सकते हैं कभी स्पेस है ई अगर आपने इनेबल डिसेबल करना है पांच लेवल की हेडलाइट लेवलिंग और आपने आइडियली स्टॉप एंड गो उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है बेसिक एडजस्टमेंट है लेकिन सीट्स की क्वालिटी वो काफी अच्छी और सीटें फैब्रिक की मिलने वाली है चलिए अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट ही रखी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत दबाकर और उसके बावजूद भी इस गाड़ी में अच्छी खासी कूलिंग ज्यादा देर नहीं हुई होगी गाड़ी को स्टार्ट कर हुए मैक्सिमम हुए होंगे शायद तीन या चार मिनट और इतनी ही देर में बहुत अच्छी कूलिंग इवन देन पीछे पीछे वाली रोतक भी अच्छी कूलिंग फिलहाल इसने कर दी है नो डाउट उसके बाद स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं नॉर्मल है, है यानी कोई लेदर रेप वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दिया गया फ्लैट बॉटम जरूर है

टी वगैरह वो काफी अच्छी है स्क्रैचेस वगैरह भी जल्दी इस पर नहीं आएंगे आमरस नहीं आएगा लेकिन ये पार्किंग ब्रेक इसके नीचे थोड़ा सा आपके पास कभी स्पेस और रह जाएगा बॉक्स की बात करेंगे तो अच्छे साइज का है गाड़ी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक अच्छा साइज है और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो अपनी गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड किट ये सब चीज रखने के बाद भी आपके पास सफिशियंट स्पेस होगा ताकि आप इजिली वहां पर अपना कुछ भी सामान रख पाए फोल्डेबल ग्राबैंडल्स मिलते हैं सीट बेल्ट की हाइट फिक्स आएगी आगे भी दोनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल आएंगे कोई वैनिटी मिरर वगैरह वाइजर के ऊपर नहीं आएगा ड्राइवर साइड में कोई टिकट होल्डर जो है वो भी नहीं आएगा और पूरी तरीके से मेनुअली एडजस्ट

इस गाड़ी का हुड खोलते हैं और इसके इंजन के बारे में बात करते हैं चाबी मैंने नहीं दिखाई शायद आपको ना ये देखिए इस तरीके की चाबी है जो कि आपको बलिनो के के साथ मिलती है बेस वेरियंट से और इसी के साथ आपको गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के दोनों कंट्रोल्स आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं ये चिक चिक करके आवाज नहीं करती आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी वो काफी सही चीज है और यहाँ आपको जो इंजन मिलता है वो है वन लीटर फोर सिलेंडर के सीरीज

आपके लिए 113 न्यूटन मीटर तक का टॉक जो है वो डिलीवर करता है और एप्रोक्सीमेटली 88 या 89 बीएचपी के आसपास की पावर अब जो नई शिफ्ट में इंजन आया है है वो भी 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड ही है लेकिन वो एक थ्री सिलेंडर इंजन है तो उसके पावर फिगर्स थोड़े से इससे कम है नो no डाउट आप अगर कोई भी हैचबैग ले रहे हैं बलिनो अगर आप ले रहे हो ग्रैंड आइटेन अगर आप ले रहे हो या फिर अगर आप मारुति की स्विफ्ट ले रहे हैं वैगनार ले रहे हैं ऑल्टो ले रहे हैं उन गाड़ियों से ये जो क्रॉसओवर आपके सामने खड़ी है ज्यादा सुंदर रोड प्रेजेंस और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ज्यादा स्पेस ज्यादा कंफर्ट आपको डिलीवर करती है इसीलिए इस क्रॉसओवर ने मैजिकल सेल्स नंबर अचीव किए क्योंकि जब यह गाड़ी लॉन्च हो रही थी तो बहुत लोगों का मानना यह था कि इस प्रोडक्ट की मारुति को जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ठीक नीचे बलिनो और उससे ठीक ऊपर थी ब्रेज़ा तो तो बीच में इसको फिट करा जा रहा था तो शायद लोगों को लगा इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जब ये आई तो उन लोगों ने भी इस गाड़ी को लेना पसंद करा जिन लोगों के बजट में ब्रेजा नहीं आ रही थी और बलिनो से वो सेटिस्फाई नहीं थे और भी बतेरी ऐसी जो कस्टमर्स सीधा सीधा फ्रोंग्स के ऊपर स्विच हो गए उन्होंने ना फिर ना स्विफ्ट देखी ना ग्रैंड आइटन देखी मतलब बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव को छोड़कर लोगों ने फ्रोंग्स को चूज करा क्योंकि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस एक कॉम्पैक्ट एस वाली थी बजट में आ रही थी सेफ्टी फीचर्स के नाम पर आपको लगभग लग काम की सब चीजें मिल रही थी अब आप इसका ही एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो इसके बेस वेरियंट में आपको ए बी एस ई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दो एयर ऐसे जो भी बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं तो ये काफी सही चीज थी थ्री पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको पीछे मिल रही है सभी के लिए तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपना कोई भी डिसीजन इस बजट की गाड़ी में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बहुत जल्द मैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा धन्यवाद